तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरह से हमने पत्थर को फेंका तालाब में और वो पत्थर तालाब में जाके गिर गया, लेकिन गाइस आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो गाइस इसके पीछे का मेन कारण है हमारे दिमाग के अंदर इंटेलेक्चुअल पावर का, जो कि गाइस हमें ये संदेश देता है, वो भी नैनो सेकंड या बात करें मिली सेकंड में, कि हमारे हाथ को संदेश दे कि वो पत्थर को उठाया जाए और उसको उसकी कितनी वजन है, वो कितना रफ्तार से फेंका जाए कि उस तालाब में उस लोकेशन के आसपास जाके गिरे। इन सब चीज़ों का पीछे का कारण है गाइस वो इंटेलेक्चुअल पावर जो कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ जो मेन चीज़ है गाइस वो है हमारी आँख। लेकिन गाइस ये जो आँख है वो हमारे ब्रेन के साथ कई बार धोखाधड़ी कर देती है, जिसके कारण से हम जो काम कभी करना नहीं चाहते वो भी काम हम कर देते हैं। और कई बार अगर आप देखोगे तो यही धोखाधड़ी के कारण गाइस एक्सीडेंट होता है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप आँख की धोखाधड़ी पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये एक वीडियो देखो। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपने इस वीडियो में ये देखा कि जितने भी सारे गेंद हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आप ये वीडियो एक बार फिर से देखो। तो दोस्तों आपने ये वीडियो फिर से देख लिया और आपको यही लगता होगा कि जितने सारे गेंद हैं वो गोल गोल ही घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप किसी भी बॉल पे ध्यान दोगे या फिर आप देखोगे तो वो सीधा सीधा घूम रहा है या तो फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही वो अप डाउन हो रहा है, जिसके लिए आपको सीधा सीधा एक बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। आपने देख लिया कि किस प्रकार से आपकी आंखें आपके ब्रेन के साथ धोखाधड़ी करती है, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में अगर कहना चाहते हैं उसे हम इल्यूजन कहते हैं। जैसा कि इसका एक और एग्जांपल है गाइस कि अगर हम गर्मी के दिन में सीधा रोड में कहीं जाते हैं तो बहुत दूर में हमें पानी नजर आता है, लेकिन अगर हम सामने जाते तो वो पानी रहता नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन रहता है। वही चीज यहाँ पे है गाइस, जिसमें कि आपकी आंखें आपके ब्रेन के साथ धोखाधड़ी करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।